वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मेरे YouTube चैनल का नाम है सागर बर्ड केयर। तो आपने सुबह देखा होगा कि मैंने मेरे कबूतरों को जो है कुछ कबूतरों को इधर रखा था। दोपहर में देखा होगा कि मैंने एक लाल पट्टा जो है लाल चीना पट्टा वो और नीला कबूतर एक और एक अपना और खैरा पट्टा जो है उसको भी जो है ना मैंने ऊपर रखा था। और बाकी जो कुछ कबूतर थे अपने पट्टे उनको लगा था धूप पे कि उनको समझ में आए कि यही कि यही अपने को रहने का है। और वो लाल चीना बच्चा जो है उड़ गया था वो थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर जो है ना मैंने अभी उनको उतारा। अभी बज रहे हैं 7 बज रहे अभी शाम रात के, अभी 7 बज रहे। तो जो है ना मैंने अभी कबूतरों को उतारा और कबूतरों को इसमें छोड़ दिया है पट्टों को अपने। और अभी दे रहा हूँ मैं इनको दाने। और आज मैं घर पे ही था तो थोड़ा जल्दी जो है दाने में दे रहा हूँ कबूतरों को अपने। नहीं जल्दी गाय के दोस्तों 6 बजे 6:30 7 बजे तो मैं घर पर ही पहुँचता हूँ। घर के पहुँचने के तुरंत बाद जो है मैं कबूतरों के दाने वाने डालता हूँ, थोड़ा सा इनको वीडियो बनाता हूँ अपनी। बाद में जो हाथ पैर धोता हूँ, थोड़ा चाय वाय पीता हूँ बाद में, या फिर थोड़ा इधर उधर हो जाता है काम। पर इसके पर वर थोड़े मैंने बांध दिए है, पट्टे के भी बांधे, ये लाल वाले चीनी पट्टे के भी बांधे। और ये बाकी जो पट्टे थे ये ऊपर का, ये इधर का कोने वाला, वो सामने का कलसरा बच्चा, ये 2-3 बच्चे, ये जो सामने के जो बैठ रहे ये यहाँ पे, इनको जो है ना मैंने धूप पर रखा था ये ऊपर वाले कबूतरों को। तो ये नीला छोड़ के, नीला जो है इसका बाप इधर का जोड़े वाला है, वो ऊपर जाके बैठा हुआ है। और ये बच्चा जो है वो भी उन्हें तो सही चल रहा है अभी, ये बच्चा बैठा हुआ है सामने इधर। और ये जो है ना इधर जाली पे चिपका हुआ है, तो इस ये भी रखा था मैंने धूप पे। तो हो गया अभी इतना, तो अभी डालते हैं अपन इनको दाना, ठीक है दोस्तों। और मादी की थोड़ी नहीं का मूवमेंट जो है, ये मादी की थोड़ी तेज़ हो, अभी आज चल फिर रही है बराबर, गिर नहीं रही है। वो गिरी बोले तो ऐसे गंडल गुंडल नहीं हो रही है, वही तो हल्टिंग ले जैसे नहीं चल रही है, दानों पे भी आ रही है। दाना देख पा रहे होंगे खाने के लिए उतर चुके हैं मादी। और शौक करें दोस्तों कबूतरी का, यही पे ये जो मादी है अपनी सोके में है। तो सोके की और सर्दी की दवा जो है वो सोके की और सर्दी की बीमारी मेरे घर पर जो है वो आपको पता होगा। जो जूने दोस्त होंगे अपने, पुराने व्यूअर्स होंगे वो उनको पता होगा कि वही कबूतर जो है अपने घर पे सर्दी और सोके में है, बस बाकी की बीमारियों में नहीं आते, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अभी दानों पे उतर चुके हैं कबूतर, और मैं आवाज़ देता हूँ थोड़ा सा, चला आ आ आ आ बड़ा चले, ये 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 अरे आ आ आ आ आ अरे आ आ आ आ आ आ चले, ये रे चले, ये 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 ये। और अभी मैंने क्या कर दिया दोस्तों, आज जो है ये वाली कबूतर की जो मादी है मैंने वापस दे दी, जिसकी थी उसको वापस दे दी। और उसके जो अंडे हैं वो ये नीले कबूतर के नीचे डाले हुए हैं मैंने, ये नीले कबूतर के नीचे। और ये वाली मादी ने आज दोपहर में जो है अंडा रखा था, तो इसका एक अंडा जो है मेरे बाजू में कबूतर एक गुट्टे के पास में, उसका अंडा जो है वो मादी ने कल दिया, बोले वो फूट गया, बोले पेटी सरकाते समय साफ करते समय, तो वो सीन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी मैंने किया। और दोस्तों मैं एक बात बताता चलूँ कि अपने घर पे जो है ये इस मादी के जो है ये कन है, ये वाली मादी, ये तो साक्षरी मादी जो कन अंडा सरका रही है, उसका एक बच्चा जो है अपने घर पे निकल चुका है। तो वो आपने देखा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, शो कराऊंगा बच्चे का। छोटा बच्चा अभी समझ लो, एकदम छोटा बच्चा है, दो अभी जस्ट समझ लो दोपहर में 2 बजे इस मादी ने, इसके मादी ने अंडा दिया और वो बेचारा अंडे में से बाहर आ गया, ठीक है। तो ऐसे अपने घर पे सीन हुआ है मालूम है। तो कुछ अभी मैं इधर भी काम कर रहा था अपने कबूतरों को भी, कबूतर भी कैसे कर रहे हैं दोस्तों, बढ़िया। मेरे बोले तो मैंने जैसे सोचा था कि इसको ऊपर करेंगे, ये ऊपर करेंगे भाई, ये ऊपर कर देंगे और फिर कबूतरों को ऐसे सीधे से ढकल देंगे, इसमें से ऐसे ढकल देंगे तो कबूतर जो है ना यहाँ से ऐसे अंदर आ जाएंगे। तो सही में जो है कबूतर डरते हैं, फिर भी जो है नीचे आते हैं, इसके नीचे आके वो छलांग मार देते हैं अंदर, समझ रहे हैं आप। तो अपना उड़ाने का जो है ना सीन वो हो सकता है दोस्तों, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कैसा है छत पे खोले कबूतर दिखे तो जमता है, पर अभी कबूतर उनको ऊपर जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा मेरे को क्या करना पड़ता है उनको थोड़ा और 2-1 दिन ज़्यादा रख के जो है उड़ाना पड़ेगा। अभी 2 दिन है अपने पास, आज का शनिवार है और कल का बोले तो आज का शनिवार है और एक अभी अभी सामने के दिन का जो है वो संडे,
संडे के दिन मेरे को एक दिन छुट्टी रहेंगी कल, वो नया साल है तो, और इसके बोले तो वो एक ही दिन की छुट्टी है अपने को, बाकी भाई सोमवार से फिर वापस से चालू हो जाएगा काम पर जाने का सीन। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं काम पे और वापस से जाना चालू हो जाएगा, तो फिर कबूतर बाय चांस जो है मैं उड़ा के दिखाऊंगा आपको। वैसे भी उड़ा के देखते रहूँगा मैं जाऊँगा तो सुबह सुबह देखूँगा थोड़ा खोल के कबूतर को थोड़ा, और बाद में जल्दी बंद भी कर दिया करूँगा क्योंकि भूखे रखूँगा जब निकालूँगा बाहर, खिला के रखो निकालूंगा तो खाए कबूतर जो है ना फिर सुनते नहीं मेरी वाली बाटी, वो अपनी लगाती भी, समझ रहे आप दोस्तों। अब देख पा रहे थोड़ा इंजॉय करे, आवाज़ देखे थोड़ा, ये भी आवाज़ जो है ना अच्छा लगता सुनने में काना को अपने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बच्चे का शौक कराता हूँ, जो बच्चा अपने घर पे छोटा निकला हुआ है उसका जो भाई है वो निकलने का है, उसका जो साथी है दूसरे अंडे वाला जो है वो नहीं निकला, ये नर है उसका बाप है ये, और ये जो है मादी उसकी माँ है। तो ये देख पा रहे होंगे दोस्तों बच्चा जो है निकल चुका है अपने घर पे, ये देखिए एक बच्चा आ चुका है एक बच्चा निकलने का है। ठीक है दोस्तों, तो करिए शौक बच्चे का, छोटा बच्चा है अपना और ये उसकी माँ है, अपने घर का ही बच्चा है दोस्तों, बड़ा हो गया अभी, मादी बन चुके हैं, बच्चे भी उसके आ चुके हैं अपने घर पर। अब देखेंगे कौन से बॉडी के निकलते कौन से क्वालिटी के निकलते, उनके खुद के हैं दोस्तों, किसी और के जो है मैंने नहीं डाले उनके नीचे, उनके खुद के जो है अंडे हैं, उनकी खुद की अभी मेहनत उन पे चलेंगे और उनका काम लेंगे अपन उनसे थोड़ा सा, और देखेंगे कि कौन से कलर के कौन से डिज़ाइन के बच्चे निकलते हैं। शौक करें इस बच्चे का दोस्तों, देखिए इसका शौक मैं कल सुबह जो है आपको कराऊंगा, और उसका जो है ना थोड़ी क्लिप बना के जो है अटैच करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, लीजिए दोस्तों अभी मैंने रखा है कबूतर को पीने के लिए पानी, चूना डाल के चूना लगा के चूना लगा दिया कबूतर को, और ये देख पा रहे होंगे पानी पी रहा है अपना जिसका बच्चा निकला हुआ वो, और ज़्यादा नहीं डाला मैंने चूना इसमें, थोड़ा कम है, और अभी पानी पीने के बाद में जो है कबूतर दाना खाने को इधर आ चुके हैं, ये देखिए पानी पिए और इधर आए, और कुछ कबूतर पानी पीने के लिए आएंगे। आह 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 पानी 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 चले, यस 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 चले चले, ये 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 आ आ आ आ आ आ। देखिए दोस्तों ये बच्चा है, और बिल्ली के बच्चे में भी ध्यान देना पड़ता, बिल्ली का बच्चा जो है ना एकदम सीधा ऐसे नीचे से आता गपक का जा घुस जाता अंदर, और कबूतर को दाना देता, फिर कबूतर दाना नहीं खाएंगे अपनी, जैसे भी कुछ दाने खा रहे हैं तो वो भी नहीं खाएंगे, और उसको भी दालचीनी का पानी दिया मैंने दोस्तों, और जो है ना बनाना पड़ेगा आपने 2 गिलास पानी डालना है, और समझ लो एक डेढ़ इंच जो है ना अदरक का पीस लेना है, और एक डेढ़ छोटी उंगली जो होती है अपनी उतनी दालचीनी का टुकड़ा लेना है, वो पानी में डाल देना है, उसको उबाल लेना है, 2 गिलास का 1.5 गिलास पानी बचा तब आपने उतार लेना है उसको, और फिर जो है कबूतरों को अपने दे सकते हो आप 5-5 ml 10-10 ml दे दो, कोई सीन नहीं है, कबूतर का जो रेशा होगा वो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और शौक करे दोस्तों हमारे कबूतरों का पानी पीते हुए, कुछ बड़े कबूतर हमारे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शौक करे देखे दोस्तों, करे शौक करते रहे उतरते रहो दोस्तों शौक, देखिए जाग दो बात, ये हमारा कल्चर है काली बाजू वाला, और ये हमारे नीले कबूतर यहाँ पे मकाओ, इसकी मादी ने 2 अंडे इसके नीचे दूसरे कबूतर के डाल दिया दोस्तों मैंने। ठीक है दोस्तों, तो उसके 2 बच्चे अपने घर पे निकले, और मैंने बोला चलो वो तारी के बच्चे अपने को होना, तो मैंने बोला चलो वो सफेद कबूतरी के बच्चे के उसके जो अंडे हैं उसको सरकाएंगे इधर, और मादी दे देंगे उसके मालक को, अब देखेंगे उसके घर पे क्या वो कितने बच्चे निकलते क्या निकलते। ठीक है दोस्तों, तो उसके घर पे भी अच्छा नर है एकदम बढ़िया नर है, उसको वो लगाएगा तो अच्छा होगा, बच्चे जो है अच्छे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे जो है ये नरों नरों का जोड़ा है, कि मादी वादी को समझता नहीं है मेरे को, पर ये देखिए बच्चा फुल नर के जैसे नाचता हुआ मादी के नर के ऊपर ही, वही नर ही है दोस्तों वो नीला जो है वो, पर क्या मालूम क्या उसका होता तो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शौक करे, तो अभी डालता हूँ मैं इनको दाने, फिर थोड़ी सी दाने जो है वो अंदर से लाना पड़ेगा, और फिर अंदर से जो है थोड़े से दाने लाता हूँ मैं, और कबूतर का बच्चा आ चुका है, ये लाल बच्चा जो है दोस्तों फीली खाता है पूरी पेट भर के, इसके जो है ना फीट पे जो है ना दिल आ गया इसका वाला,
बहुत सारी फीट खा लेता और साइड में बैठ जाता था। गेहूँ जो है कम खा रहा है वो अभी मुर्गी के जैसे बनता बोलते। तो ये देख पा रहे होंगे मादी अभी तो सही बैठ रही है दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ तो है दोस्तों, उसका रिजल्ट जो है आपके आंखों के सामने है। मादी जो है मेरे को बेहतर लग रही है पहले जैसे, पहले से जो है पहले के समझ लो इससे अभी जो है ना अच्छी लग रही है, ठीक है। और वो जो नीली मादी को भी मैंने दिया था सुबह तो उसका भी थोड़ा लिंक है, मेरे को अच्छा लगा उसने उनके चलने में और फिरने में उसकी जो है ना फ़र्क दिख रहा है मेरे को। तो और जो है मैं बनाने वाला हूँ वो, जिससे उसको और थोड़ा वो बेहतर महसूस करे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं उस बच्चे को जो है फीड कराता हूँ और आज की वीडियो जो है यहीं तक ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखी पूरी, और वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।